नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। टाटा मोटर्स ने अपने आप में काफी कुछ बदलाव किए हैं जिसके चलते पिछले कई सालों से टाटा मोटर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। टाटा मोटर्स की कार अल्ट्रोज कंपनी के मोस्ट अवेटेड प्रोडक्ट में से एक रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है और इसके बारे में टाटा के क्या प्लानिंग्स हैं। ये इंतज़ार अब जल्द ही ख़त्म होने वाला है, तो कब होने वाली है ये कार लॉन्च जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो चलिए शुरू करते हैं। टाटा मोटर्स की अल्ट्रोज कार कंपनी के मोस्ट अवेटेड मॉडल्स में से एक है जिसका इंतज़ार भारतीय बाज़ार में काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। ये कार इस साल यानी कि 2019 में भारत में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन टाटा मोटर्स ने इस कार के लॉन्च को अगले साल तक टाल दिया है, यानी कि अब ये कार 2020 के शुरुआत में लॉन्च की जाएगी। ये कार एक प्रीमियम हैचबैक कार है जिसकी सबसे बड़ी खास बात इस गाड़ी के शानदार लुक्स हैं। एक्सटीरियर से ये कार बेहद ही मॉडर्न नज़र आती है, अप मार्केट नज़र आती है। कार के एक्सटीरियर में बेहद ही शानदार डिज़ाइन वाले एलॉय व्हील्स, स्टाइलिश एलईडी डीआरएल्स, प्रोजेक्टर हेडलाइट और खूबसूरत ग्रिल को देखा जाएगा। इसके साथ साथ इस कार का एक्सटीरियर आपको ड्यूअल टोन कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल हो सकता है। ये कार एक प्रीमियम हैचबैक है। वही हम बात करें कार के इंटीरियर की, तो इसमें 8 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को देखा जाएगा जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी। कार का इंटीरियर ऑल ब्लैक होने की संभावना है और इसका डैशबोर्ड एक प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल से बनाया जाएगा। इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप, कीलेस एंट्री, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स भी आपको इस कार में मौजूद मिलेंगे। भारत में ये कार 3 इंजन के ऑप्शन के साथ लॉन्च की जाएगी। पहला इंजन होगा 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जिसमें आपको 85 bhp की पावर प्रदान करेगा, और दूसरा इंजन 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल होगा जो आपको 102 bhp की पावर निकाल के देगा। वही तीसरा इंजन का ऑप्शन 1.5 लीटर डीजल इंजन होगा जो 90 bhp की पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा। ये गाड़ी आपको 5 स्पीड और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगी। उसी के साथ साथ आपको इसमें AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलेगा। ये गाड़ी भारत में इन तीनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ लॉन्च की जाएगी। भारत में इस कार की कीमत 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक होने की उम्मीद है। लॉन्च होने के बाद इस गाड़ी का सीधा सीधा मुकाबला मुख्य रूप से मारुति सुजुकी की बलेनो, टोयोटा की ग्लांजा और ह्यूंडई की i20 के साथ होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा और अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।